दोस्तों वेलकम टू अज़र यूसुफ चैनल। पिछले वीडियो में हमने एक ऐसी जगह एक्सप्लोर की थी जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। एक्चुअली ऐसे ही होता है जब तुम कोई रिलीजियस जगह पे आते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी जगहें लॉजिक से समझाई नहीं जा सकती। हमने पूरी कहानी देखी, हमने पूरी कहानी सुनी, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में एक और ऐसी जगह पे लेके जाने वाला हूँ मैं आपको, जिसे कहते हैं पैसे वाली गुफा। अगर वहाँ पे तुम्हारा पैसा या सिक्का चिपक गया तो तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। मैं आपको ले जाता हूँ वहाँ पे और देखते, कोशिश करते हैं सिक्का चिपकाने की, देखते अपना सिक्का चिपकता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, पैसे वाली गुफा, हाजी मलंग, लेट्स गो फॉर इट। और ये देखिए दोस्तों, ओहो कितने प्यारे हैं। थोड़ा सा दूर से जाते हैं और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा 5 पीर है जो हमको एक्सप्लोर करना है। हम अगले वीडियो में करेंगे वो भी, लेकिन ये देखिए यहाँ से व्यू, वैली और शहर दोनों बहुत अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे मेरी सीढ़ियाँ, जिस सीढ़ियों से मैं आया हूँ, हाँ जो सीढ़ियों से मैं आया हूँ, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे ना, ये देखिए इनफैक्ट वो पूरी सीढ़ी जो है ना, एकदम क्लियर दिख रही है, क्योंकि धूप पड़ रही है ना, तो एकदम क्लियर दिख रही है कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ से होते हुए हम आए हैं। पार्किंग वहाँ पे है और हम वहाँ से इतना चढ़ के यहाँ पे आए। तो अब देखते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और उस गुफा को देखते हैं। थोड़ा यहाँ से जाते हैं दोस्तों। ये जो सिचुएशन है ना, ये डेजावू टाइप हो रही है। कितनी सारी मेमोरीज मेरी ताज़ा हो रही है यहाँ पे। मैं बचपन में कितनी बार यहाँ पे आया हूँ, जब मैं छोटा था तो कितनी बार, आई थिंक 1-2 नहीं, 7 या 8 बार यहाँ पे आया हूँ। ये देखिए कुआ, और हम जाते हैं यहाँ पे आगे। बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है इस जगह से, इस एरिया से मेरी। ये पैसे वाली गुफा, ये 5 पीर का ट्रैक, ये बहुत पहले, आज से 10 साल पहले मैं कर चुका हूँ, तो बहुत सारी मेमोरीज है और वो सारी मेमोरीज को रिलीव करने हम जाते हैं आगे और देखते हैं कि इस बार भी जगह वैसी ही है या कुछ बदल सी गई है। ये देखिए एक पूरा खुला मैदान और हमको जाना है इस तरफ। यहाँ पे कितनी सारी जगह है जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं आराम से। मुझे आज भी याद है, इनमें से ही कई जगहों पे हम बैठा करते थे पेड़ की छांव में। थोड़ा कन्फ्यूजन था रास्ते के बारे में, ऐसा लग रहा था मैं गलत जा रहा हूँ, लेकिन मैंने कंफर्म किया यहाँ पे सही जा रहा हूँ मैं। लेकिन ये कुछ नया है जो पहले नहीं था, ऐसा कुछ पहले नहीं था। छोटी सी जगह है, नैरो सी जगह है जिससे होते हुए हमको जाना है। और यहाँ पे छोटी बस्ती जहाँ पे 4-5 घर है, वो है हाजी मलंग बाबा की दरगाह जहाँ से होते हुए हम आए हैं। वहीं पे अपना लॉज है जहाँ पे हम रुके हैं और देखते आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे तो वो जो दीवार है उस पर लिखा है कि 5 पीर के लिए आपको इस तरफ जाना है, तो जाते हैं देखते और एक्सप्लोर करते। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। ये जो हाजी मलंग है ना, यहाँ पे नेटवर्क कुछ भी नहीं चलता है, यहाँ पे सिर्फ BSNL का नेटवर्क चलता है, यहाँ का लोकल नेटवर्क चलता है, तो यहाँ पे गूगल पे का चांस ही नहीं उठता है। कहीं कहीं बीच बीच में हर 2 घंटे में 2 मिनट के लिए नेटवर्क आता है, बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ पे नेटवर्क के लिए, तो कैश यहाँ पे लेके आना। और दूसरी बात, एक जगह जो मुझे नेटवर्क मिला, वो जो हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लोर किया था ना, घोड़े की टाप का पानी, उस तरफ मुझे नेटवर्क मिला और मेरी फाइनली घर पे किसी से बात हुई। तो ध्यान रखना, मेरा जियो और एयरटेल दोनों नेटवर्क वहाँ पे आ रहा था, जो ऑलमोस्ट अभी पूरे हाजी मलंग में अभी तक तो कहीं पर भी नहीं आया, वहाँ पर आया था। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ना गूगल पे चलेगा ना तुम्हारा सिम कार्ड। थोड़े आगे चल के फिर से 2 रास्ते आए, लेकिन अपने को इस तरफ जाना है, राइट साइड की तरफ। यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ भी कुछ रास्ता है, वहाँ पे बैठने के लिए अच्छी जगह है, फ़ोटोज़ निकालने के लिए बहुत अच्छी जगह है,
लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब सा बना हुआ है जो मैंने पहले नहीं देखा था। देखते समझने की कोशिश करते एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है। देखते कुछ अजीब सा बना हुआ है जो पहले नहीं दिखता था या पहले नहीं देखा था मैंने। दस पंद्रह सालों में जगहें बदल तो जाती है, लेकिन ये जगह इतनी ज़्यादा बदली नहीं है, काफ़ी कम बदली है। ये 10 साल पहले जैसी थी लगभग 80% वैसी ही है, लेकिन ऐसी कुछ पता नहीं क्या है ये एग्जैक्टली, जाके देखते हैं। ऐसी कुछ जगह ये नहीं है, ये 10 साल पहले नहीं हुआ करती थी। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, नहीं पता क्या है, समझना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से हमको जाना है इधर। फाइनली ऐसा कुछ देखने मिला हमको जहाँ पे लिखा है पांच पीर जाने का रास्ता भी यही है, और वो पैसे चिपकाने वाली गुफा भी यहीं पे है। तो जाते बढ़ते आगे और देखते। जगह जगह पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जगह जगह पे काफ़ी होटल्स है, और ओ हो कितने छोटे बच्चे हैं यार ये मुर्गी के, कितने छोटे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते, उनको ऐसे ही छोड़ देते, एंजॉय करने दो। हम नज़दीक जाएंगे वो भाग जाएंगे, क्यों उनको सताना। फिर से एक और होटल, ये देखिए। अब हम बढ़ते आगे दोस्तों, अब सीधा सामने नज़र आ रही है वो पैसे वाली गुफा। जाते एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद जाएंगे पंचपीर। अगले वीडियो में जाएंगे पंचपीर, लेकिन फ़िलहाल ये पैसे वाली गुफा को देखते हैं। एक्साइटेड हूँ इसके लिए भी, देखते मेरे साथ क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे हर तरफ मोहब्बत की निशानी है, हर तरफ। बाबा का भोगदा ऐसा कुछ लिखा है वहाँ पे। एक छोटी सी होटल जहाँ पे कवाली चालू है, और लेफ्ट साइड पे अंदर की तरफ है वो गुफा। दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए ये पैसे वाली गुफा पे। यहाँ पे लिखा है बाबा का भोगदा, और यहाँ पे जूते सबसे पहले उतारने अंदर जाने से पहले। और ये हम चले अंदर, इतने सारे लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। कितने का सिक्का चिपकेगा भाई, या कोई भी सिक्का ट्राई कर, कोई भी सिक्का, 2 का 5 का 10 का 1 का देशी विदेशी कोई भी। चलो अपन कोशिश करते हैं, देखते हैं। नहीं चिपक रहे दोस्तों। फाइनली मेरा सिक्का चिपका, और एक्चुअली ना मुझे पहला सिक्का चिपकाने में जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बहुत जल्दी से पहला सिक्का वहाँ पे चिपक गया था, और मैं चाहता था कि मैं सबसे पहले अपने लिए कुछ मांगूं, लेकिन फिर मैंने मिसबा के लिए मांगा। लेकिन उसके बाद मैं लगा रहा, बहुत सारी कोशिश की फिर से। दोस्तों पता नहीं इसके पीछे क्या साइंस है, एग्जैक्टली वो सिक्का कैसे चिपकता है और कैसे बाकी जगहों पे नहीं चिपकता, और कैसे पता नहीं वही जगह पे पहले नहीं चिपकता और उसके बाद चिपकता है। इसके पीछे का साइंस कभी समझ में नहीं आया, ना तब समझ में आया, ना 10 साल पहले समझ में आया था। वहाँ पे कुछ लोगों से बात करने के बावजूद भी उनके पास भी कोई आइडिया नहीं है कि उनको भी कुछ नॉलेज है कि ये सब क्या है, एग्जैक्टली क्या साइंस है इसके पीछे, या क्या जादू है इसके पीछे। किसी को कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि अगर कोई चीज़ दिल से मांगो और तुम्हारा सिक्का चिपक जाए तो तुमको वो मिल जाता है। और फाइनली मेरा दूसरा सिक्का चिपका था वहाँ पे। बहुत मेहनत लगी थी मुझे, लेकिन दूसरा सिक्का चिपका था ज़रूर। पहले सिक्के में मैंने मिसबास के लिए कुछ मांगा था, और दूसरे सिक्के में फाइनली अपने लिए कुछ मांगा। लेकिन आप देख सकते हो ना कि मैंने कितना स्ट्रगल किया। दूसरा सिक्का तो ट्रस्ट मी, मेरे ख्याल से 15 या 20 मिनट तक मैं ट्राई कर रहा था, नहीं चिपका। और कुछ ऐसी जगह चिपका बाद में जहाँ पे ऑलरेडी मैं ट्राई कर चुका था कई बार, पहले नहीं चिपका, लेकिन 15 या 20 मिनट के बाद चिपका ज़रूर।
और वहाँ पे बहुत सारे लोगों के सिक्के नहीं चिपक रहे थे, ऐसा नहीं था कि बाद में चिपक रहे थे। कुछ लोगों का मैंने देखा, ये देखिए ये मेरा सिक्का एग्जैक्टली वहीं चिपका जहाँ पे मिसबा का सिक्का चिपका था। तो मेरा सिक्का फाइनली दो बार मैंने ट्राई किया, आधा घंटा लगा दो सिक्के चिपके। पहला तो पहले मिनट में चिपक गया था, दूसरे को चिपकाने के लिए आधा घंटा लगा और फाइनली मैं कुछ मांग पाया। आप भी ट्राई करना।